लखनऊ में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैटिंग भी करते नजर आए। सीएम योगी ने बॉल पर डायरेक्ट हिट किया, कार्यक्रम को संबोधित भी किया और यूपी में खेल को बढ़ावा देने के लिए कहा कि तरह तरह के प्रयास जारी हैं, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। उनकी सरकार ने अब तक 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती दी है। चाइना में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा होगा, चाइना की खिलाड़ी के साथ जब एथलेटिक्स के रूप में आपने देखा होगा कि पारुल चौधरी जब दौड़ रही थी, अंतिम क्षण में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और जब उससे पूछा गया कि भाई आप तो पीछे चल रही थी, अचानक ऐसी कौन सी फुर्ती आप में आई कि आप चाइना की खिलाड़ी को पिछाड़ दी, उसने कहा कि मुझे अंतिम समय में याद आया कि भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर गोल्ड मेडल जीतेगी तो सीधे डिप्टी एसपी पद प्राप्त होगा, तो मुझे डिप्टी एसपी पद प्राप्त करना था, इसलिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, हमने उसको भी नियुक्ति पत्र दिया है। अब तक हम 500 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दे चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और एशियाड में भारत के लिए मेडल जीत करके भारत का गौरव बढ़ाया है। अमेठी में 4 लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने परिवार से मुलाकात की है। परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। पीड़ित परिवार को 5 बीघा जमीन का पट्टा दिया गया है। सीएम के निर्देश पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने शिक्षक के परिजनों से सुदामापुर गाँव में मुलाकात की और साथ ही उनको पूरा आश्वासन दिया कि सरकार आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है। यहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिवार का हालचाल जानते हुए सांत्वना दी और परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से पूरा न्याय दिलाया जाएगा। संभल में लव जिहाद का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पॉलिटेक्निक की छात्रा ने घर में फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। आरोप ये है कि छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड किया है। लड़की की मां का आरोप है कि आरोपी लड़का उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था। शादी ना करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। छात्रा की मां ने आरोपी को फांसी देने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है, साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैं सीबीआई जांच भी करवाना है। अच्छा, अब मुझे पुलिस की यहाँ पर हमारे घर पर के हमारे बच्चे बाहर जाते हैं टेडी लेके, डर है कोई मार मूर दे हमारे बच्चों को। आज सुबह प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जो कि पॉलिटेक्निक में बदायूं में पढ़ाई करती थी, वो अपने घर पे आई है और उसने घर पे आने के बाद में सुसाइड कमिट कर लिया है। यह सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई थी। सूचना के उपरांत थाना पुलिस द्वारा मौके पे जाके सब को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम भिजवा दिया था। करीबन 4 बजे के आसपास थाना गुन्नौर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़के के द्वारा उनको परेशान किया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर उस बच्ची ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। विभिन्न एंगल जो तहरीरें की जा रही। आगे बढ़ते हैं संत कबीर नगर से अगली खबर। लालच देकर गरीब हिंदुओं को आई बनाने 2 धर्म प्रचारकों को गिरफ्तार किया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गर्थ वलिया गांव का है। आरोप ये है कि गरीब हिंदुओं को लालच देकर प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उन्हें भले ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुछ समय से यहाँ पे सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसी सभाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें जो गरीब तबके के जो महिलाएं और पुरुष हैं, उसमें से भी जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के, ऐसे लोगों को उस सभाओं में बुलाया जा रहा है, वहाँ प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो हिंदू देवी देवताएं हैं,
इनके संबंध में आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ बताई जा रही हैं, साथ ही साथ इनको बताया जा रहा है जो हिंदू मान्यताएं हैं, जो हिंदू रीति रिवाज है ये गलत है, जो हिंदू देवी देवता हैं ये गलत हैं, और प्रलोभन देने के बाद इन लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बिजनौर के नूरपुर में बाजार से लौट रही महिला के साथ ठगी हुई है। पीड़िता नूरजहां के मुताबिक दो लोगों ने बीमारियां खत्म करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया और कानों से सोने के कुंडल निकाल लिए। आरोपी महिला को उसके घर तक छोड़ने के लिए भी आए और दोनों आरोपियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बस्ती के पीडब्ल्यूडी विभाग से एक अजब गजब कारनामा सामने आया। एक शातिर अपराधी पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर में एक्सीएन की कुर्सी पर बैठकर रोब झाड़ता नजर आया। अधिकारी की गैर मौजूदगी में कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स मुंडेरवा थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसने बाकायदा एक्सीएन की कुर्सी पर बैठकर फोटो सेशन करवाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी ऐसी रिपेयरिंग करने वाला मुंडेरवा थाने का हिस्ट्री शीटर शमसुद्दीन है। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन अवधेश कुमार दफ्तर में नहीं थे, एसी रिपेयर करने आए शमसुद्दीन ने मौके का फायदा उठाकर एक्सीएन की कुर्सी पर बैठकर फोटो सेशन कराया। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती का रहने वाला हिस्ट्री सीटर अपराधी है, उसने सहायक अभियंता की कुर्सी पर बैठकर उनके ऑफिस में सरकारी दफ्तर में एक फोटो पिक कराई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको वायरल कराया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर प्राप्त तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 383/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद के विवादित बयान पर संग्राम छिड़ चुका है। खास धर्म के लोग शहर शहर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी भी हो रही है। हंगामे और उपद्रव की तस्वीर सहारनपुर से सामने आई। यहां पर खास धर्म के लोगों ने जमकर उत्पाद मचाया और पुलिस पर पत्थरबाजी की। वहीं पुलिस का ये कहना है कि शांति भंग करने की जिसने कोशिश की उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नरसिम्हानंद के बयान पर इतना बवाल क्यों मचा है। दासना देवी मंदिर के महंत एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उनके विवादित बयान पर देश भर में संग्राम मचा है। खास धर्म के लोग सड़कों पर आ चुके हैं और शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसिम्हानंद के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी तादाद में लोग गाजियाबाद के दासी मंदिर के बाहर अट्ठा। इस विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने भी मंदिर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन करने वालों और उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी भी हो रही है। भीड़ इकट्ठी होने के बाद उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन देना था और उसी क्रम में हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए, नारेबाजी करते हुए लगातार आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद यहाँ से एक बार चौकी तक पहुंचे और यहाँ उन्होंने पथराव किया। जो पता लग रहा है उसके अनुसार कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और जो जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो कई भीड़ के लोग भी इसमें घायल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पत्थर जो है, जो ईंटें हैं वह यहाँ पर पड़ी हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सहारनपुर से भी आई। यहाँ नरसिम्हानंद के खिलाफ लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ दिया। अब पुलिस पथराव में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। ज्ञापन देने का कार्यक्रम दिया किया गया था जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे, उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर कर दिया। तो दूसरी तरफ नरसिम्हानंद के बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मायावती ने कहा, नरसिम्हानंद के बयान से न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में अशांति और तनाव फैला है। पुलिस ने विरोध करने वालों पर कार्रवाई की, न कि बयान देने वाले महंत पर।
संविधान सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं नरसिंहानंद के विवादित बयान पर तमाम विपक्षी दल भी धर्म के नाम पर वोट बैंक की रोटियां सेकने लगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी का धर्म है उनके धर्म से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई बयान देना नहीं चाहिए, गलत है। वो तो ये बीजेपी की पॉलिसी यही है कि लोगों को भड़काओ और बीजेपी पॉलिसी अख्तियार कर। खैर, यूपी पुलिस न सिर्फ माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन में है बल्कि तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रित करने के लिए भी सजग है, ताकि नरसिंहानंद के बहाने किसी हिंसक घटना को अंजाम न दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।